वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग फिर से टॉपिक को उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से कल से ड्रॉप किया हुआ था। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे और उसके पहले कुछ फॉर्मूला समझने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स की डिमांड रही कि इसको थोड़ा सा और अगर एलैबोरेट कर दिया जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो देख लेते हैं। फॉर्मूला नंबर वन में तो कुछ नहीं हो सकता था, एक्स टू द पावर एन एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस थ्री, सही है। अब देखो फॉर्मूला नंबर टू से शुरुआत होती है। लास्ट क्लास में समझा रहे थे एक्स का जो भी कोफिशियंट होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा। एक्सपोनेंशियल का तो वही होता है, एक्स का कोफिशियंट क्या है ए, तो वो डिनोमिनेटर में चला गया। फॉर्मूला नंबर तीन के अंदर छह अलग अलग तरीके के फॉर्मूलाज एक्सेस कर जाते हैं और इसी सीरीज में इंटीग्रेशन साइन ए एक्स की हमने बात की। अच्छा, तो साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। सवाल ये होता है कि अपॉन में ए क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक्स का कोफिशियंट क्या है ए है। ये नंबर वन। नंबर टू इसी में देख लेते हैं। नंबर टू अगर हम बात करते हैं कॉस ए एक्स डी एक्स, तो ये आपको देखने को मिलेगा साइन ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। फॉर्मूला नंबर थर्ड इंटीग्रेशन, ये आपको देखने को मिलेगा sec स्क्वायर ए एक्स डी एक्स। तो देखो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, अब x का कोफिशियंट क्या है a है, इसलिए a अपॉन में आ जाएगा प्लस c। फॉर्मूला नंबर फोर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर ए एक्स डी एक्स, आप जानते हैं x का कोफिशियंट क्या है a है, तो यहाँ से तुम्हें देखने को मिलेगा माइनस का cot ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। फॉर्मूला नंबर फिफ्थ की अगर हम बात करते हैं तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन sec ए एक्स इंटू टेन ए एक्स डी एक्स, यहाँ से आपको देखने को मिलता है sec ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। जबकि फॉर्मूला नंबर सिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये cosec ए एक्स इंटू cot ए एक्स डी एक्स, ये बना देता है माइनस कॉसेक ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो कुल मिलाकर के ये सिक्स फॉर्मूलाज रहे। और बच्चे देखो ये जो आपको समझ कम आ रहा है ये 7.2 में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस टाइप के इंटीग्रेशन मैंने बताया था कि जब साइन 3x होता है तो हम क्या करते हैं 3x को टिलेट कर लेते हैं। आप वहाँ से चाहे वहाँ से भी इवैल्यूएट कर सकते हैं, मगर क्या है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको सीधे याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इन्हें नहीं याद रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा सा लेंथी होगा, कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, फिर आप जानते हैं मोर कैलकुलेशन मोर एरर। इसलिए चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ये सिक्स फॉर्मूलाज हमारे पास यहाँ पर आए और इसी सीरीज में कुछ इन्वर्स फंक्शन के भी फॉर्मूलाज देख लेते हैं। एक काम करते हैं पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं वरना फिर बोर होने लगोगे। सीरीज में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एक आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्या बात कह दी गई है, साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखा रखा है कि अगर बाहर इनवर्स है तो अंदर भी साइन ही होना चाहिए, सब जानते हैं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या हम इसे लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस एक्स, क्या इंटीग्रल साइन को सेपरेट नहीं करा सकते हैं, पाई बाई टू डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ से पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। जस्ट लाइक द क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। अगर आपने प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट लिए होंगे तो आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी और थोड़ा सा प्रयास जारी रखेंगे, मन लगा करके पढ़ाई करेंगे, स्वास्थ्य का भी खास ख्याल रखेंगे। बात समझे या नहीं समझे, एक काम कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी डी एक्स, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हमने इसे और यहाँ से हमें देखने को मिला इंटीग्रेशन कॉस टू ए होल अपॉन, ये रिजल्ट वन में कन्वर्ट हो जाता है जबकि ये साइन टू एक्स में। अब डिफ्रेंसिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए तो अभी आप समझ जाएंगे कि वन प्लस साइन टू एक्स को अगर हम टी लेट करेंगे तो कॉस टू एक्स एलिमिनेट होगा। देखो जरा
वन का डिफरेंशिएशन जीरो, साइन टू एक्स से मिल जाता है कॉस टू एक्स, फिर टू एक्स से एक टू भी मिल जाता है डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। चेन रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ है, थोड़ा सा हाई स्पीड कैलकुलेशन रहा है, बार बार मैं आपको इसीलिए फोर्स कर रहा था कि डिफरेंशिएशन अच्छी तरीके से सीखो, क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो फिर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट होती रहेंगी। कॉस टू एक्स डी एक्स की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इंटीग्रेशन वन अपॉन टी वन अपॉन टू साथ में डी टी। यहाँ से वन अपॉन टू देखो बच्चा बाहर आ जाएगा, वन अपॉन टी डी टी, इसको सिंप्लीफाई किया देन लॉग टी और प्लस का सी। बात समझे या नहीं समझे, यहां से टी की वापस से वैल्यू पुट कर देंगे तो टी की बच्चा वैल्यू क्या है, वन अपॉन टू लॉग वन अपॉन टू लॉग वन प्लस साइन टू एक्स प्लस सी। अगर चाहें तो इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसको रीराइट भी किया जा सकता है, अदरवाइज आप यहाँ पर भी ड्रॉप कर देंगे देन दिस इज ऑल्सो करेक्ट, अदरवाइज वी कैन राइट इट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स टू दी होल पावर टू प्लस सी। ये लॉग एम टू दी पावर एन है तो बच्चा टू आगे आ जाएगा और अभी आपको देखने को मिलेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, टू से टू कैंसिल हो जाता है तो ओवरऑल ये हमारे पास फाइनल आंसर है। आप चाहें तो यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते हैं, ये भी सही है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20-21 हम लोग इवेलुएट कर चुके हैं, सिंप्लीफाई कर चुके हैं, आसानी से आप आंसर को एक्सेस कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग क्या सीख सकते हैं। इतना पोर्शन रफ कर देते हैं, ये आप लोग सब सीख चुके हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, ठीक है। दो स्ट्रेटजी यहां से अप्लाई हो सकती है। पहला नंबर, हमने क्या किया, कॉन्जुकेट मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। क्या कहा, कॉन्जुकेट मल्टीप्लाई डिवाइड। न्यूमरेटर बोलो क्या बनेगा, बोलो जल्दी से न्यूमरेटर क्या बनेगा, गुड, वन माइनस कॉस एक्स टू दी होल पावर टू। डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। एक काम कर लेते हैं, ये जच्चा जो ऊपर देखने को मिल रहा है इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं तो ये अभी आपको देखने को मिलेगा वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस एक्स, ठीक है, साथ में डी एक्स इंटीग्रेशन। इसको सेपरेट करा दो, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहां से देखो इसको लिखा जा सकता है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहां से कॉस अपॉन साइन क्या बना देता है, कॉट बना देता है, कॉट स्क्वायर एक्स। यहां से क्या बना देगा, कॉस अपॉन साइन कॉट, यानी टू कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। इधर से कुछ पोर्शन रफ कर देते हैं और फिर आगे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। इन फॉर्मूलाज की बच्चे अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन नंबर 7th में जो फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो फॉर्मूला ये इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, यहाँ से नोट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई कर लेना, इसको अब रफ कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे पास। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अभी ये कॉट स्क्वायर एक्स सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, इस टर्म की जगह पर लिखा गया, ये अपनी जगह पर सही है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन।
कॉसेक स्क्वायर एक्स को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो यहां से क्या देखने को मिलता है, अभी नहीं, इन दोनों को एक साथ ले लिया कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर इसको ले लिया कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस वन डी एक्स टू। कॉसेक स्क्वायर एक्स को हमने इंटीग्रेट किया तो कॉसेक स्क्वायर एक्स से हमें क्या देखने को मिलता है, कॉट एक्स माइनस टू कॉट एक्स, यहां से प्लस का टू कॉसेक एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ये इसका फर्स्ट मेथड था, अब इसका सेकंड मेथड देख रहे थे, ठीक है। सेकंड मेथड में क्या है, सेकंड मेथड में क्या है, हाँ भाई, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। एक काम करते हैं, वन को ही एलिमिनेट करा देते हैं। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना बच्चा, हाई स्पीड कैलकुलेशन, ब्रैकेट को ओपन किया, माइनस साइन अंदर जाएगा, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू, वन से ये वन कैंसिल होता है, टू से टू कैंसिल होता है, तो साइन अपॉन कॉस ओवरऑल क्या बना देता है, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। इधर ही समझने की कोशिश करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसलिए हमें इसे लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन साथ में डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स बाई टू को जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये मिलता है टेन एक्स बाई टू, फिर अभी देखो एक्स का जो कोफिशियंट है वो क्या है, वन बाई टू, तो वन बाई टू अपॉन में आएगा तो ये टू ऊपर आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस सी। छोटा सोल्यूशन है, आसान है। अब आपने देखा कि एक क्वेश्चन को दो अलग अलग मेथड से सिंप्लीफाई किया गया तो फिर दो अलग अलग सोल्यूशन हमारे पास जनरेट हो रहे हैं, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट, दोनों ही सही हैं, ठीक है। इसलिए एग्जाम हॉल में बैठ करके आंसर को टैली कराने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक स्टूडेंट ने इस प्रोसेस को फॉलो किया हो तो दूसरे ने इस प्रोसेस को फॉलो किया हो, तो आंसर दोनों के डिफरेंट होंगे मगर दोनों ही सही होंगे, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, फटाफट से नोट करेंगे फिर आगे कुछ बताते हैं। ठीक है, तो फिर कुछ रफ करते हैं और देखते हैं कि आगे हम लोग क्या सीख सकते हैं, ठीक है। ये सब रफ कर देते हैं बच्चे, यहाँ से इन सब की अब कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आसानी से समझ आ रही होंगी और समझने का थोड़ा सा प्रयास भी करेंगे, जल्दी आपके डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे। इंटीग्रेशन अच्छी तरीके से आना चाहिए, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन में अगर दिक्कत होगी तो फिर आने वाला जो भविष्य है वो अंधकार में होगा। अगर आपके पास मैथ्स रहेगी तो फिर ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। आगे बीटेक करोगे, बीएससी करोगे, वहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस नाम से पूरी बुक ही पढ़ने को मिलेगी, जो यहाँ पर एक चैप्टर है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म पर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप इजीली अटेम्प्ट ले सकते हो, वन ऐड कर लेना, वन सेपरेट करा देना, फिर सिंप्लीफाई करना सेकेंड मेथड से जो भी बताया था, आप अटेम्प्ट ले पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 इज सेम एज द क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 14 एक आसान सा क्वेश्चन अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कोई एक टिपिकल क्वेश्चन। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन 2x। अभी कुछ मिनट पहले ही मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ाया था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट किया था 1 प्लस कॉस 2x, क्योंकि वहाँ पर न्यूमरेटर की डिमांड थी, यहाँ पर न्यूमरेटर की डिमांड कुछ और है, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसको रीराइट करना होगा। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स टू दी होल पावर 2dx। अब आपके मन में ये उठ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 20 में डिनोमिनेटर ये था तो उसको ये लिखा था, तो बच्चे देखो वहाँ पर न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर को मेंटेन करते हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर कुछ और है इसलिए डिनोमिनेटर को हमें इस फॉर्मेट पर लाना पड़ा। अभी क्या करना है, लेट कर लेना है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी डिफ्रेंशिएट करो, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी।
तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह पर क्या देखने को मिलेगा, वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी। वन अपॉन टी स्क्वायर मतलब माइनस वन अपॉन टी प्लस सी, माइनस वन अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, दिस इज द फाइनल आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे हैं, आसान सा सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10 में ये दो मेथड से सॉल्व हो सकता है, एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो कि अभी तक पढ़ाया नहीं है, फिर अभी आगे नेक्स्ट पढ़ाएंगे, तो एक मेथड वहाँ से रेज होता है। अब क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट नहीं जानते हैं तो फिर इसको देखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये जो साइन स्क्वायर एक्स हैं इसमें टू से मल्टीप्लाई कराओगे और टू से डिवाइड कराओगे और ये सब कुछ ब्रैकेट के अंदर ही होगा। ये वन बाई टू बाहर आता है तो वन बाई फोर में कन्वर्ट हो जाता है, टू साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, टू साइन स्क्वायर एक्स की हमने बात की तो मुझे एक फॉर्मूला याद आता है, शायद आप लोगों को भी याद आ रहा होगा, कॉस टू एक्स वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, टू साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू जनरेट होगी, टू साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू जनरेट होगी वो जनरेट हो जाएगी वन माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स, होल स्क्वायर जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, समझते रहे ना बच्चा ध्यान से। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, किसने बदलेगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम सेपरेट करा दें तो इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, टू ने फोर को कैंसिल किया, कॉस टू एक्स इसका भी इंटीग्रेशन हम जानते हैं, यहाँ से वन बाई फोर कॉस स्क्वायर टू एक्स डी एक्स। अब अच्छा, ये टू नहीं होता तो इंटीग्रेशन जानते थे, अब ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है, टू, इसलिए इसको मेंटेनेंस में लेकर के जाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान देना इसी जगह पर, टू से करा देंगे मल्टीप्लाई, टू से करा देंगे डिवाइड, ये जो इतना पूरा पोर्शन तुम्हें देखने को मिल रहा है, ये इतना पूरा पोर्शन एक फॉर्मूला हम जानते हैं, कॉस टू एक्स टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, देन टू कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वन प्लस कॉस टू एक्स, क्या कहा, वन प्लस कॉस टू एक्स। ठीक है, रख देते हैं भाई, वन अपॉन फोर, वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस, अब जानते हैं कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, जबकि इंटीग्रेशन प्लस का साइन एक्स, तो यहां से टू टू जा फोर, देखो बच्चा एक टू ये और एक टू ये मिलकर के टू टू जा फोर बना देंगे, यहां से साइन टू एक्स। अब देखो यार, जिन लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही है वो लोग क्या करेंगे, अभी आज ही की क्लास में स्टार्टिंग में चीजें वहां से बता करके आए हैं तो एक बार देख लेंगे स्टार्टिंग से वीडियो, यहां से प्लस का वन बाई एट, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये इससे टैली हो रहा है तो क्या बना देगा, वन प्लस कॉस फोर एक्स। क्लियर, वन बाई फोर एक्स, वन बाई फोर साइन टू एक्स, वन बाई एट एक्स कॉस एक्स, वन अपॉन थर्टी टू साइन फोर एक्स प्लस थ्री, ये जो दो टर्म्स हैं इनको एक साथ ले लिया तो टू थ्री बाई एट एक्स माइनस का वन बाई प्लस का वन अपॉन थर्टी टू प्लस सी, दिस इज अ फाइनल आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ आ रही होंगी। इसी सेम पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 11 भी है, वहाँ पर आपको ऑलरेडी कॉस टू एक्स दे दिया गया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सिस्टम को मॉडिफाई करेंगे वर्किंग सेम होगी, बस फॉर्मूला जो है जहाँ पर अभी ये हम लोगों ने इस्तेमाल किया था वहाँ पर ये इस्तेमाल होगा, लास्ट में जहाँ पर ये इस्तेमाल हुआ था वहाँ पर ये इस्तेमाल होगा। कुल मिलाकर के समझदार हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं तो अभी चीज़ों को ईजिली अटैम्प्ट ले सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत होने वाली है।
बाकी तो बच्चे सारे प्रॉब्लम्स लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया प्रॉब्लम है बोर्ड में, नंबर 13 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड में पूछा गया प्रॉब्लम है, आया हुआ है, इसलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या बात बताई जा रही है? इंटीग्रेशन कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। ये देखो एक ऊपर फॉर्मूला बन रहा है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहां से 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब ये मत पूछना कि सर ये फॉर्मूला कहां से आया है। अब अगर ये चीजें भी नहीं समझ आ रही हैं तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार क्लास 11th फिर से पढ़ लें। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होल अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। 1 से ये प्लस हो जाएगा, 1 कैंसिल। यहां से हमने क्या किया बच्चा, 2 को कर लिया कॉमन। यहां से आपको देखने को मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस एक्स कॉस अल्फा डी एक्स। अगर तुम ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर में एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या कहा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, अगर किसी को आता हो तो वो बता सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहां से देखो ये आपको देखने को मिलेगा 2, ये आपको देखने को मिलेगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, फिर कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, फिर कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। ये दो टर्म कैंसिल हो गए, 2 कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा डी एक्स 2। इंटीग्रेशन साइन को सेपरेट करा दो, कॉस एक्स डी एक्स और प्लस का 2। अब देखो बच्चा इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन यहां से तो साइन एक्स मिल जाता है। अब कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा नहीं होगा क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए कॉस अल्फा किसका काम करेगा, कॉन्स्टेंट का। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा 2x, बच्चा इसका इंटीग्रेशन एक्स हो गया, कॉस अल्फा प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। फटाफट नोट करेंगे फिर कुछ एक दो और प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, तो इधर से कुछ थोड़ा सा पोर्शन रफ करते हैं और फिर आगे देखते हैं एक दो ठीक ठाक प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है कि अभी आप चीज़ों को आसानी से गेन कर पा रहे हैं, अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कुछ इसी सेम स्ट्रेटेजी पर बेस्ड है, जस्ट लाइक द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लिखा गया है साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, सॉरी 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, प्रॉब्लम को इंटीग्रेट करना है, चलो देख लेते हैं। इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या देखने को मिलेगा? 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन x, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी। ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो बच्चा मेरे हिसाब से अभी सारे क्वेश्चन सब आप इजीली अटेम्प्ट ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो भी सकता है। ठीक है, एक थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, चलो देख लेते हैं 16 के बाद में फिर इस क्लास को ओवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16
टेन टू दी पावर फोर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन में आपको मजा आ रहा होगा क्योंकि इंटीग्रेशन में प्रॉपर कोई एक पैटर्न नहीं होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटजी बदलनी पड़ती है और ये स्ट्रेटजी आपका जो बैकग्राउंड है उस पर बेस्ड होता है। बैकग्राउंड मतलब समझ रहे हो ना, आपका आप कितना सीख करके आए हैं आप टू क्लास 11 तक, वहाँ से चीज़ें क्लियर होती हैं। देखो बच्चे क्या है कि साइन टू दी पावर फोर और कॉस टू दी पावर फोर दोनों का वर्किंग सेम होगा, इसमें थोड़ा सा अलग होगा। इसको हम लिखना चाहेंगे टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब एक टेन स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रखो और इसको लिखो sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो ये बना देता है टेन स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, ये बना देता है टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये वाला पोर्शन आप इजीली इवेलुएट कर सकते हैं। हमने लेट किया, क्या लेट किया, टेन एक्स इक्वल्स टू टी इन फर्स्ट इंटीग्रल। और बच्चा आप जानते हैं टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो देखो बच्चा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर हमें क्या देखने को मिलेगा, डी टी। टेन एक्स की जगह पर क्या मिल जाता है, t, then t square dt minus tan square x का तो integration होता नहीं है, तो हमने इसको लिख दिया sec square x minus 1 dx। इसको किया integrate minus sec square x से हमें क्या देखने को मिलता है, tan x minus x plus c। अब अच्छा ये plus हो जाएगा, minus minus plus हो जाएगा। What is the value of t, t क्या है, t है tan x, रख दो, रखो जरा। तो आपको देखने को मिलेगा टेन क्यूब एक्स अपॉन थ्री माइनस, फिर आपको देखने को मिलेगा टेन एक्स, फिर प्लस एक्स प्लस सी। तो अभी चीजें आपको मजेदार समझ आ रही होंगी, चीजें मजेदार लग भी रही होंगी, ठीक है। क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद ही आपको समझ आएगा। थोड़ा सा कंसंट्रेट करके प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट लेंगे, पेशेंस रखेंगे, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है और आप देखेंगे धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। ये बच्चा अभी शुरुआत है, इंटीग्रेशन में और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, हम लोग प्रॉब्लम्स को आहिस्ता आहिस्ता एडॉप्ट करते रहेंगे, अटेम्प्ट लेते रहेंगे और सिस्टम को आगे रन कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।